सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक ऑन माई चैनल। सो गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अपनी आर एस 100 पर सिर्फ डैशबोर्ड मीटर और फ्यूल टैंक कैप है उस पर ही सेरामिक कोटिंग करने वाला हूँ। उसका अदरवाइज रिव्यू देखता हूँ, उसके बाद पूरी बॉडी पे करेंगे। पहले देख लूँ उसके क्या रिजल्ट आते हैं ना, आफ्टर 2 मंथ्स फिर बताऊँगा आपको। सो सबसे पहला स्टेप है, देखते हैं इस पर क्लीन करते हैं डैशबोर्ड कंसोल को, मीटर कंसोल और उसका फ्यूल टैंक कैप को क्लीन करेंगे। सेरामिक कोटिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। फिर आफ्टर 2 मंथ्स मैं पूरी वीडियो बना दूंगा, जितनी भी आप बॉडी पार्ट है सब पे करेंगे और व्हील रिम्स वगैरह सब पे। पर उससे पहले मैं सिर्फ उस पर ट्रायल लेना चाह रहा हूँ। सो सबसे पहले बाइक को वॉश करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, सेरामिक कोटिंग करते हैं ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एनीवेज गाइस बाइक वॉश हो चुकी है, मतलब टैंक टैंक डैशबोर्ड और मीटर पूरा वॉश कर दिया। एक बार दिखा देता हूँ मैं कंडीशन क्या है। ठीक है गाइस, गाइस देख लो आप मीटर की कंडीशन खुद। उसके बाद मैंने डैशबोर्ड वॉश कर दिया और ड्राई भी कर दिया काफ़ी ठीक है। और हैंडल बार वगैरह देख लो, और उसके बाद टैंक कैप कवर देख लो आप, क्या ना कंडीशन देख लो एक बार। बाकी वैसे कंडीशन ठीक है, बेसिकली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इस पर सेरामिक कोटिंग करते हैं, मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ किस तरीके से फॉलो करना है आपको, किस तरीके से सेरामिक कोटिंग करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेसिकली गाइस ये फॉर्म आता है इसके साथ एक जो बॉक्स में, तो इसमें माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपको ब्लैक वाला है, इस पर फोल्ड करना है, किस तरीके से स्टेपल वगैरह करना है। बाकी स्टेपलर की पिन मेरी ख़राब हो गई थी, अब देखता हूँ मैं खुद ही करना पड़ेगा मेरे को। 125 पे काफ़ी यूज़ हो गई थी स्टेपलर वगैरह की पिन, तो अब करते हैं इसे ना। इस पर मैं पहले सबसे पहले सेरामिक कोटिंग की 4 to 5 ड्रॉप्स
देता हूँ, ठीक है? उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कैसे फॉलो करना है आपको। गाइस ड्रॉप डाल दिए इस पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ पे। उसके बाद आपको मेक श्योर वर्टिकल पोजीशन में करना है आपको, एक ही पैटर्न में आना। देखिए गाइस इस तरीके से ना, कुछ कुछ इस तरीके से फॉलो करना है आपको जिस एरिया में। और गाइस 8 to 9 ड्रॉप्स इजीली इसकी 50 by 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है सर इजीली कवर कर लेती है, कोई इशू नहीं होता उसमें। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना। देखिए गाइस मतलब काफ़ी ठीक है, देखते हैं इसका आफ्टर 48 आवर्स क्या रिजल्ट निकल के आते हैं ना। बेसिकली मैं तो अभी सिर्फ टैंक कवर और जो डैशबोर्ड वाला एरिया उस पर कर रहा हूँ ना। गाइस मेक श्योर जितने भी पार्ट्स पे कर रहे हैं आप प्रॉपरली, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से करना है हर पोर्शन पे ना। बाकी ये तो इतना कवर हो गया, अब मैं और ड्रॉप्स ले लेता हूँ ना। गाइज अब थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, काफ़ी ठीक रिजल्ट से निकलने चाहिए। मेक श्योर देखता हूँ मैं से जितना भी है इसका प्रॉपर तरीके से कवर कर लेता हूँ टैंक कैप कवर को ना। उसके बाद देखते हैं फिर इसका 48 आवर्स का क्या रिजल्ट निकलता है। बाकी मुझे तो लग रहा है शायद ओवर हाइप्ड हो सकती है सर किस तरीके से इसका ब्रांडिंग करी गई है, हालांकि ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, वीडियो मैंने परचेज ही करी थी खुद ही। अब बाकी देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट निकलते हैं ना। गाइस बेसिकली मैंने टैंक पूरा कवर कर लिया सेरामिक कोटिंग से, और गाइस के बाद मैं डैशबोर्ड करता हूँ। डैशबोर्ड करने के बाद आफ्टर 5 मिनट से वाइप ऑफ कर दूंगा मैं जितना भी सेरामिक कोटिंग है, मीटर डैशबोर्ड और टैंक कप है ना। उसके बाद मैं आफ्टर 2 डेज दिखाऊंगा कंडीशन क्या आपको। बाकी वेट करते हैं इस पर डैशबोर्ड पर करते हैं फिर मीटर पर ना, फिर वाइप ऑफ कर देंगे तीनों चीज़ों को। गाइज बेसिकली डैशबोर्ड वगैरह पे हो गया है काफ़ी ठीक। बाकी अब इस पर करता हूँ मैं मीटर पे ना, मीटर पे करने के बाद इस पोर्शन पे करता हूँ हैंडल बार पे, तो काफ़ी हद तक शाइन की उम्मीद है। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं इसके ना। बेसिकली डैशबोर्ड वगैरह पे हो गया, इसे वाइप ऑफ कर देता हूँ मैं भी टैंक वाले को ना, टैंक वाले को वाइप ऑफ करते हैं पहले ना। गाइज मेक श्योर बहुत जेंटली करना है आपको वाइप ऑफ, कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा जेंटली स्मूथली करना बिल्कुल। गाइस देखिए मैंने वाइप ऑफ कर दिया है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना आपको इसके साथ मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं इसके साथ ना। बाकी ठीक है यार अभी तो देखने में काफ़ी सही लग रहा है, आफ्टर 48 आवर्स से पता लगेगा तो देख करके, और 2 मंथ्स तक टिक पाती है, फिर 3 मंथ्स तक देखते हैं, 24 मंथ्स लिखा है। बाकी गाइस बात करें इंडियन कंडीशन के साथ लगता नहीं मेरे को ये टिक भी पाएगी, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना भी है ना। चलो देखते हैं 6 मंथ्स बाद भी देख लेंगे इसकी कंडीशन क्या है ना। गाइस बेसिकली मैं तो सोच रहा था इस चीज़ को लेकर के जो ये 30 ml है इस पर 2 कोट की बजाय आफ्टर 3 मंथ्स 1 कोट कर देना, बाकी हाफ यूज़ जाती है और हाफ बाद में कर लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स है ना। बाकी वाइप ऑफ हो गया, अब इसके बाद वाइप ऑफ कर दें डैशबोर्ड वगैरह।
गाइस ठीक है, शाइन मतलब ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शाइन नहीं है, बट मैंने रबिंग भी नहीं करी अभी बाइक पे ना, तो हिसाब से ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखते हैं क्या रिजल्ट्स निकलते हैं आफ्टर 48 आवर्स, पता लगेगा ना। बाकी मीटर पे करता हूँ भी स्टार्ट, है ना। ये वाइप ऑफ कर दिया मैंने काफ़ी हद तक, अब मीटर पे स्टार्ट करते हैं। टैंक की कंडीशन आप खुद देख लो गाइस, ना ठीक लगी मेरे को टैंक पे, इतना बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है टैंक पे ना इतनी। अब मैं करता हूँ मीटर पे स्टार्ट बेसिकली, है ना गाइस। मेक श्योर जितने आपको प्रॉपरली पार्ट्स देने पे क्लीन करने हैं, अदरवाइज अगर कोई भी निशान है वहाँ पे मार्क है तो सेरामिक कोटिंग पे और ज़्यादा दिखेगा, तो मेक श्योर आप क्लीन कर लीजिए प्रॉपरली, है ना, जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो हैंडल बार वगैरह क्यों ना हो ना। बाकी मीटर पे थोड़े बहुत स्क्रैच हैं, वो देखते हैं क्या कंडीशन होती है मीटर की। गाइज हैंडल बार और मीटर पे कर दिया मैंने, और किल स्विच वगैरह पे कर दिया काफ़ी हद तक। अब देखते हैं वाइप ऑफ करने के बाद क्या कंडीशन होती है इनकी ना। बाकी गाइज वाइप ऑफ करते टाइम मिलता हूँ आफ्टर 5 मिनट्स ना। A few inches later. गाइज आफ्टर 5 मिनट्स मैं जितना भी सेरामिक कोटिंग है मीटर हैंडल बार और ये सब क्लच वगैरह पे जितनी भी है इसे वाइप ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। गाइज काफ़ी जेंटली करना आपको ना, प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। गाइज आपके सामने बिल्कुल कंडीशन जो भी है, और अब मिलते हैं आफ्टर 48 आवर्स, दिखाता हूँ रिजल्ट्स क्या है ना। बाकी 48 आवर्स के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, है ना, ड्राई होने के लिए, उसके बाद मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ना। और अगर जितनी भी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।